this honor of being the capital, for being the center of winter sports in the country. As had been mentioned by the Honorable Minister, who was here for the opening, that from next year, winter sports would be expanded even more. It would be. I was very, in fact, proud to announce last time that most of our winter destinations are open now. We have ski courses happening in Duisburg. We have cross-country ski. ये लाइफ टाइम स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था और अब यहाँ पर टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट किया जाना है मंत्री जी के। जी हाँ, बीएसएफ वैन के बाद अपनी दीवारों पे सजाएंगे। ये कुछ कश्मीर की यादें हैं जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ये कल्चर है हमारा जो हम आपको अपने साथ लेकर दे रहे हैं। इसके बाद श्री प्रेम कुमार झा साहब के लिए एक टोकन ऑफ लव प्रेजेंट किया जाएगा। साथ साथ पेपर मैशी का ये वॉल हैंगिंग जो उनकी दीवार पर कश्मीर को सजा देगा। सीईओ कुनवर डेवलपमेंट अथॉरिटी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मेड दिस हैपन। ऑल दीज थिंग्स हैव टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल दैट टुडे द स्लोप्स दैट वी हैव, I'm sure this is a site that we will always remember. Here we have in the backdrop of the Upper Red Mountain with the Grand Gulmarg Gondola, which has been so ब्रॉन्ज मेडल के बाद बारी आती है सिल्वर मेडल की और सिल्वर मेडल इस इवेंट के लिए लेकर जा रहे हैं वजाहत मकबूल जिम के। और स्नो शू स्प्रिंट 800 मीटर जूनियर बॉयज के गोल्ड मेडल के हकदार बने हैं शहनवाज सुलेमान जिंदे। सभी एथलीट्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके जा रहे हैं और बहुत सारे खूबसूरत यादें और काफी सारा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत पूरा देश भर में ये प्रमाणित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के यूथ भी कहीं पीछे नहीं है और सबको टक्कर देने के लिए तैयार है। आज मंच पर, आज जम्मू कश्मीर में भी सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है इसको साथ में लेते हुए बहुत स्पीड के साथ, गति के साथ इंफ्रा डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि पिछले दो सालों में लगभग पूरा यूटी का हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जिले में इंडोर स्टेडियम बन चुका है, हर एक गांव में, हर एक जो विलेजेस है उसमें खेल मैदान की जो डेवलप करने का काम वो काम रहा है और हम चाहते हैं कि हर साल खेलो इंडिया इंटर गेम्स में आपका ऐसे ही योगदान रहे। मैं सभी होटल ओनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों का प्री बुकिंग कैंसिल करके हमारे खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों के साथ आए हुए गार्जियंस को, सभी को रहने का व्यवस्था किया और अतिथि देवो भवो के मंत्रों को आप लोगों ने फिर से एक बार प्रमाणित कर दिया कि गुलमर्ग की लोग, कश्मीर की लोग अतिथि को देवता के रूप में पूजते हैं। एक बार मैं यहाँ का जो मेजर जनरल आर के सिंह जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में ही नहीं, साल भर जो बाहर से हमारे विदेशों से यहाँ पर ट्रेकिंग करने के लिए आता है उन लोगों की भी जिस तरह से ध्यान रखते हैं
और उसके साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स में भी। हाँ, उसके बाद जेकेटीजीसी जेकेटीजीसी के बाद एसडीएम गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन मुसवी साहब, एसडीएम गुलमर्ग के बाद पुलिस और एसडीपीओ साहब से गुजारिश। हाँ अल्ताफ साहब आइए प्लीज। एसडीएम गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन मुसवी, इसके बाद और इसमें लगभग 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें भाग चढ़ कर प्रतिभाग किया। सारे जो स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड है इस पर अपने आप में नया इतिहास है। देखो खेलो इंडिया बहुत सारा खिलाड़ी जो लोग अपना खुद का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है और इसी के साथ बहुत भव्यता के साथ खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट थर्ड जो एडिशन है इसका समापन हुआ और अगले बार इससे भी बड़े रूप में और मल्टीपल वेन्यूज पर पूरा जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स को करने का जो है इरादा है और आशा रखते हैं मैं ये कि अगली बार जो विदेशों में जैसे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं विंटर ओलंपिक्स होते हैं उससे उसका तुलना में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इस भव्यता के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के सारे बंधुवरों को भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने 5 दिन भर यहाँ पर रहा और इसका प्रचार प्रसार आप लोगों ने सहायता किया और पूरा देश भर के लोग आज घर में बैठ के आज ये जो है विंटर स्पोर्ट्स का जो लोगों ने घर में बैठ के उपभोग कर पाया इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और उसके साथ साथ मैं गुलमर्ग की होटल एसोसिएशन को भी होटल ओनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि पहले तो 1500 से 1500 जो खिलाड़ी है वो रजिस्ट्रेशन किया था वो आना चाहते थे लेकिन अचानक करीब करीब 2000 जो है खिलाड़ी यानी 300 से 400 खिलाड़ी यहाँ पर आ गए लेकिन फिर भी यहाँ का होटल ओनर्स ने अपना प्री बुकिंग कैंसिल करके खिलाड़ियों को अपना रूम दी और उनके गार्जियन को भी रहने का व्यवस्था किया इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा।